Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to mpd area Model School Class 10th Civic Chapter 2 Federalism. टूडे रीड अबाउट ऑफ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिसड इन इंडिया प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जो कंडीशंस है कौन सी हैं वट मेक्स इंडिया आ फेडरल कंट्री यानी कौन कौन सी आ, ऐसी कंडीशंस हैं सिस्टम है जो हमारी कंट्री को फेडरल कंट्री बनाती हैं और इस वीडियो में हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में जो फेडरलिज़्म है और सक्सेस ऑफ़ फेडरलिज्म में दोनों में क्या डिफरेंस है कि ठीक है कि भाई जैसे कि आप एग्जांपल में लो जैसे कि क्रिकेट है और एक क्रिकेटर है और एक सक्सेस क्रिक, सक्सेस क्रिकेटर है उन दोनों में क्या डिफरेंस है आप खुद भी समझ सकते हैं कि उसको एक ट्रॉफ़ी मिलेगी अचीवमेंट्स मिलेगी और उसका नेम फेम होगा तो सेम ऐसे ही होता है कंट्री का भी एक फेडरलिज्म ठीक है आपने एक सिस्टम है उसको एडोप्ट कर लिया है उसको प्रोसेस को लेकिन हम उसको कितना सक्सेस माने अपनी कंट्री में तो वो कैसे पता चलेगा कि उसकी प्रैक्टिस कितनी है यानी किस तरीके से वो अप्लाई होता है हमारी कंट्री में वो हम पढ़ेंगे तो किस बेस पर पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेस पर पढ़ेंगे एंड लैंग्वेज पॉलिसी के बेस पर पढ़ेंगे एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन के बेस पे तीन ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे हमें पता चल जाता है कि हाउस फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया यानी इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस किस तरीके से यानी कितना सक्सेस है तो वन बाय वन हम रीड करेंगे लेकिन सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी फर्स्ट आप अंडरस्टैंड कर लीजिए मीनिंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं दैट मींस पीपल स्पीकिंग सम लैंग्वेज लिव्ड इन सम स्टेट दैट मीन्स कुछ पर्टिकुलर एरिया किसी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं और उसको उसके बेस पर उस एरिया को अलग कर दिया जाता है तो वो क्या होता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स है जैसे जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें स्टूडेंट आंध्र प्रदेश है वहाँ तेलुगू बोली जाती है गुजरात है वहाँ गुजराती बोली जाती है तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है केरला में मलयालम है महाराष्ट्र में मराठी है तो आप इस लैंग्वेजेस uh, बेसिस पे देखेंगे कि किस तरीके से स्टेट्स होते हैं तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स मीन्स आई होप यू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर ऐसा एरिया जहाँ पे कोई स्पेशल लैंग्वेज बोली जाती है और उसके बेस पे उसको अलग स्टेट बना दिया जाता है भाषा के उस पर बेस पे तो वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहलाते हैं अब हम इस वीडियो में स्टूडेंट पढ़ेंगे कि आ, मतलब फेडरलिज्म और सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म में दोनों में क्या डिफरेंट है और इसके लिए समझने के लिए हमें स्टूडेंट समझना पड़ेगा डिपेंड द नेचर ऑफ़ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक एक्चुअली में क्या सिचुएशन है क्योंकि ठीक है अगर आपने स्टूडेंट अपने कंट्री में फेडरल सिस्टम को आ, अडोप्ट भी करा है लेकिन अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं कर रहे हो या सिचुएशन नहीं देख रहे हो तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि हर किसी कंट्री का एक प्रोविज़न होता है और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक सिस्टम होता है कई बार हमें चेंज भी करने पड़ते हैं कुछ रूल रेगुलेशन कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी करने पड़ते हैं तो ये एक सिचुएशन होती है नेचर होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक पॉलिटिक्स सिचुएशन का कि उसके अकॉर्डिंग एक फेडरलिज्म को कितना हमें इंक्रीज़ करना, करना है डिक्रीज़ करना है यानी उसको किस तरीके से एडप्ट करना है तो वो कुछ सिचुएशंस हैं वो हम देखेंगे कौन कौन से सिचुएशन है जिसके बेस पे हम किसी भी स्टेट्स को एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाते हैं और फेडरल सिस्टम को सक्सेस बनाते हैं वो हम इस वीडियो में स्टूडेंट रीड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशियंट हम मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न तो होना बहुत जरूरी है भाई फेडरल सिस्टम अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा तो दैट मीन्स आप कैसे कह सकते हो कि हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री uh, है तो वो तो एक इम्पॉर्टेंट uh, क्राइटेरिया है कि उसकी प्रिंसिपल्स ठीक है उसके अंदर रूल रेगुलेशन जो है प्रोविज़न करने पड़ेंगे लेकिन ये सफिशियंट तो नहीं है कि हाँ सिर्फ ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न कर दिया और बस इन हो गया काम नहीं इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सेड इन इंडिया इट इज नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लैड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफरलीस तो अगर हमें अपने एक्चुअली में अगर अपनी इंडिया के अंदर एक्सपेरिमेंट इस को federal को फेडरल सक्सेस करना है तो सिर्फ अगर हम क्लियरली सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बस एक फेडरल सिस्टम है और ठीक है और सिर्फ इतना होगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर दिया है बना दिए रूल रेगुलेशन ठीक है इट्स ओके okay, नहीं द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी ऑट्रीब्यूट टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेट पॉलिटिक्स इन कंट्री एक्चुअली में ये देखना होगा कि हमारी जो नेचर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का वो किस तरीके का है और वहाँ कितना सक्सेस होगा क्योंकि जिस तरीके से डाइवर्स हमारी कंट्री और इतनी लैंग्वेजेस पाए जाती हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना नॉट अ इजी टास्क तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए हो जाता है क्योंकि अगर हमें फेडरलिज्म को सक्सेस बनाना है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो अलग अलग लैंग्वेज़ हैं उनको आ, उनके बेस पे ये सारे रूल रेगुलेशन होने चाहिए दिस दैट द दैट द स्प्रिट ऑफ फेडरलिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम्स शेयर आइडियल्स इन अवर कंट्री एंड दैट मीन्स ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि फेडरलिज्म में हमारे लिए एक स्प्रिट है और हमें अपनी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और एक साथ हमें देखना पड़ेगा कि भाई uh, सब एक साथ मिलकर रह सकें तो, तो दैट मीन्स एनश्योर करना है अगर आपको फेडरलिज्म तो ये सारे चीज़ें देखनी पड़ेंगी पहला क्या कि ऑफ फेडरलिज्म हमें उसको एक्सेप्ट करना है कि भाई ये मेन फेडरलिज्म ही है एंड और उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अपनी कंट्री में जितनी डाइवर्सिटी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं कल्चर है और मैनी अदर थिंग्स भी हैं एंड डिजायर फॉर लिविंग टूगेदर एक साथ रहने की इच्छा भी होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि आपने पार्टीशन देखा था कि भाई 1947 के बाद जो पार्टीशन हुआ था वो क्यों हुआ था क्योंकि ही नहीं थी एक साथ रहने की अगर कोई स्टेट्स है अगर वो अपने आप को अलग कंट्री बनाने की पीछे लगा हुआ कि हम एक साथ नहीं रहेंगे हम अलग स्टेट हमारी लिंग्विस्टिक स्टेट्स अलग बनाओ और हम तो आप किस तरीके से कोर्डिनेट कर पाओगे तो एक साथ रहने की डिजायर भी तो होनी चाहिए ना तो फेडरलिज्म के लिए इंश्योर करना है कि स्प्रिट ऑफ फेडरलिज्म ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल होने चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए डाइवर्सिटी की और लिविंग टुगेदर एक साथ रहने की इच्छा होनी चाहिए एंड बिकम अ शेयर आइडल इन अवर कंट्री तो ये आइडल हमारी कंट्री में शेयर होना चाहिए एंड लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड और कुछ ऐसे मेजर व्यूज़ हैं जिस जो इस तरीके से ये ऐसे तीनों चीज़ें होती हैं और हम उसको अप्लाई कर सकते हैं तो वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे फर्स्ट अ लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी लिंग्विस्टिक स्टेट मैं पहली बता चुकी हूँ क्या है जो भाषा के आधार पे एक अलग स्टेट बना दिया जाता है फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पहला फर्स्ट uh, टेस्ट uh, है एक democracy country के लिए जिसे कि पास करना है uh, कि हां भाई ये एक बेटर सिचुएशन है इफ यू लुक एट अगर आप देखेंगे द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट बिगन इट जर्नी एज अ डेमोक्रेसी इन 1947 एंड दैट ऑफ 2017 फर्स्ट अगर आपको लिंग्विस्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स का देखना है कि क्राइटेरिया में जो फर्स्ट रूल है तो आपको ये देखना है स्टूडेंट 1947 से 2014 थाउजेंड uh, फोर्टीन तक या अब नाइनटीन तक का जो एक पूरा एक लॉन्ग uh, पीरियड है एवोल्यूशन जो हुआ है इवॉल्व हुआ है वो क्या हुआ है स्टेट्स के अंदर पहले तो इतने स्टेट्स नहीं थे अगर आप स्टार्ट में देखेंगे तो फोर्टीन स्टेट्स थे और सिक्स टेरी जो थी हमारी टेरिटरी थी तो अब अगर आप देखेंगे तो अब कितनी है ट्वेंटी नाइन स्टेट्स हैं और सेवन टेरिटरी हैं तो जो स्टूडेंट आप देखेंगे जो इतना बड़ा चेंजेस आया है तो किस बेस पे है यानी कुछ ना कुछ तो इवॉल्व हुआ है स्टेट्स में यानी लैंग्वेज के बेस पे उन्होंने डिमांड करी है कि भाई आने वाले टाइम में कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं कि अलग ये इस लैंग्वेज का ये स्टेट है तो उनको अलग कर दिया गया है इस लैंग्वेज का है तो उसको अलग कर दिया गया है, की फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग तो ये क्रिएशन ऑफ स्टेट्स हुआ है बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी स्टेट्स के अंदर स्टेट्स बनाना और किस बेस पे बनाना लैंग्वेज के बेस पे बनाना तो एक लॉन्ग पीरियड के अंदर आप देख सकते हैं कितना चेंजेस हुआ है यू विल भी सरप्राइज बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजिज एंड मनी ऑल स्टेट्स हैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड यानी इतने लॉन्ग पीरियड्स में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो क्रिएट हुए हैं और बहुत सारे स्टेट्स हैं जो ऐसे डिसपियर हुए हैं एरियाज बाउंड्रीज एंड नम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं स्टेट्स के जो नेम चेंज हुए हैं और बाउंड्रीज भी चेंज हुई हैं नाइनटीन फोर्टी सेवन द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया व चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट्स अगर हम नाइनटीन फोटी सेवन से देखें तो बहुत सारे ऐसे नई बाउंड्रीज बनी है नए स्टेट्स बने हैं और दिस वॉज डन टू एंश्योर द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट और मोस्टली ये एंश्योर किया गया है कि जो एक स्पेशल स्टेट है उसके अंदर स्पेशल लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग रहते हैं वो ही रहें तो उनके बेस पे ही स्टेट बने हैं और जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया है गुजरात में गुजराती बोली जाती है तमिलनाडु में तमिल तो वो एक लैंग्वेज के बेस पर बने हैं एंड सम स्टेट्स वर स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट द रिकॉगनाइज डिफरेंस बेस ऑन कल्चर और एथेंसिटी और जियोग्राफी और कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखेंगे जैसे कि मणिपुर है नागालैंड है माइजोरम है तो ये एक किस बेस पे हैं ये अपने ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया की वजह से सेपरेट किए गए और वहाँ की जो उनका कल्चर है जैसे कि नागालैंड में नागा ट्राइब्स मिलते हैं तो उनको उन्हीं के बेस पे उनका एक स्टेट बना दिया तो स्टूडेंट हम सिर्फ एक लैंग्वेज के बेस पे ही नहीं एक मतलब कल्चर और ज्योग्राफी और एथनीसिटी के बेस पे भी हमने चेंजेस करे और स्टेट्स बनाए दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड उत्तराखंड और झारखंड उत्तराखंड का एग्ज़ाम्पल में देखें जैसे स्टूडेंट आप हिमाचल प्रदेश का पहले समझिए जैसे कि हिमाचल है आपको नाम से पता चल रहा है यानी पहाड़ों का आंचल यानी हिम का आंचल तो वो वहाँ पे हिमाचल है यानी पहाड़ों का बना हुआ है तो इसी तरीके से उत्तराखंड भी है जो पहाड़ों का एरिया है तो वो उसकी क्राइटेरिया में उसका स्टेट बना दिया उसके नीचे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है तो वो एक प्लेन एरिया है तो उसको उस एरिया में रखा गया तो मतलब एक एरिया को जोग्राफी के बेस पे भी डिवाइड किया गया कि भाई जिस तरीके का जियोग्राफिकल कंडीशन है उसके बेस पे उस पूरे एरिया को क्या कर दिया एक अलग स्टेट बना दिया गया कि इसकी कंडीशन है जैसे कि मैंने भी बताया झारखंड का उत्तराखंड का नागालैंड का वहाँ पर नागालैंड में नागा, नागा ट्राइब्स रहते हैं उत्तराखंड पहाड़ों की वजह से वो ऊँचा है वो उसको अलग बना दिया झारखंड है तो ये सारे स्टेट्स लैंग्वेज बेस पर तो अलग होते ही होते हैं लेकिन अगर हम लेकिन अगर हम देखें तो और भी क्राइटेरिया हैं कल्चर हो गया एथेनिसिटी हो गई और ज्योग्राफी यानी उनका कल्चर उनकी जो जो अलग कंडीशन है ज्योग्राफी की उसके बेस पे ये सारी चीज़ें हम रियलाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से हुआ आ, मतलब आ, जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं स्टेट्स जो बने तो ये आपने देखा कि पहले कैसा था और लॉन्ग पीरियड के बाद कितना चेंजेस आया उसके बाद स्टूडेंट वैन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड जैसे कि लैंग्वेज के बेस पे अब डिमांड होने लगी कि भाई हमें भी अलग कर दो हमें भी अलग कर दो फॉर्मेशन होने लगी स्टेट्स की तो ये मेन पहले तो नहीं था ऐसे लेकिन नाइनटीन से जब स्टेट ऑर्गेनाइज कमी ऑर्गेनाइज कमीशन आया था तो उसने लैंग्वेज के बेस पे जो फॉर्मेशन करी स्टेट की तब से स्टेट जो थे अलग अलग होने लगे नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी रजिस्टर कर रही थी कि स्टेट अलग नहीं होने चाहिए और क्यों कर रही थी स्टूडेंट वो इसलिए कर रही थी कि क्या है कि जो डिमांड इतनी लैंग्वेज लैंग्वेज के बेस पे बढ़ रही थी तो उनको ये डर था सम नेशनल लीडर्स फियर दैट इट वुड लीड टू द डिसंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री उनको ये डर था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई ऐसा ना हो कि क्योंकि उन्होंने डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए मतलब कहीं अलग अलग पार्ट हो जाए हमारी कंट्री के जैसे कि उन्होंने 1947 में पाकिस्तान का देखा ही था तो वो लोग डरे हुए थे कि हर स्टेट अपनी अपनी लैंग्वेज के के बेस पे पे अगर हमने अलग अलग कर दिया तो वो अपने आप को कंट्री बनाने के लिए हम डिमांड ना प्रेशर ना डाले कहीं द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम तक उसने कमेटी बनाती रही और इसको स्टॉप करती रही कि नहीं हम अलग स्टेट नहीं बना सकते हैं बट द एक्सपीरियंस द शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड लेकिन जैसे जैसे लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा कि भाई नई लिंग्विस्टिक के बेस पे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर हो सकता है तो लिंग्विस्टिक uh, स्टेट बढ़ने लगे जैसे कि एग्ज़ाम्पल में अगर हम महाराष्ट्र का लें तो वहाँ पर मराठी बोली जाती है और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी वर्क है तो उस लैंग्वेज में लोग ईजी कर सकते हैं क्योंकि उस लैंग्वेज के लोग वहाँ पर रहते हैं तो स्टूडेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन ईजी uh, हो जाता है तो कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा यूनाइटेड होना बहुत इजी हो जाता है यूनाइटेड कैसे बढ़ेगा स्टूडेंट क्योंकि एक मज़बूत होता है क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी अगर एक कंट्री मिलके काम कर रही है तो दूसरी कंट्री के लिए हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि डायवर्सिटी में भी कितनी यूनिटी है और इंडियन यूनियन बनने में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि यूनाइटी मिलती है यूनाइटेड होने का एक रोल प्ले करने में बहुत ही ज़्यादा ईज होता है कि भाई एक लिबर्टी दी है कि गवर्नमेंट ने हमें कि आप सेपरेट रह के आप अपना वर्क कर सकते हो और सेपरेट होते हुए भी इंडियन यूनियन का ही एक पार्ट हो एक तो ये एक फर्स्ड हम बोल सकते हैं मजबूत होता है और एक्चुअली में जो कंट्री है मोर यूनाइटेड होती है तो यानी एकता बढ़ती है और एक एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर हो जाता है तो दैट मीन्स यहाँ पर जो स्टूडेंट बोला है एक पूरा एक्सपीरियंस आपको बताया है कि हमारे फेडरलिज़्म प्रैक्टिस कैसे होती है इंडिया के अंदर यानी लिंग्विस्टिक स्टेट बेस पे यानी किस तरीके से जो एक सक्सेस ऑफ फेडरलिज़्म का प्रैक्टिस है वो किस बेस पे यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है किस तरीके से अलग अलग स्टेट होते हुए भी वहाँ पे यूनाइटेड आपको देखने का को मिला और किस तरीके से पूरा एक्सपीरियंस रहा सेकंड में अब हम देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज पॉलिसी और किस तरीके से वो इंडिया में एक फेडरल सिस्टम को प्रैक्टिस में अप्लाई होता है